दुनिया भर में इस वक्त नफरत की राजनीति फैलाने वाले तानाशाह सत्ता में आ गए हैं और ये हथियारों के बल पर नहीं आए हैं, बाकायदा इलेक्शन जीतकर लोगों के वोटों के बल पर सत्ता में आए हैं। ये कैसे हुआ? लोगों ने ऐसे नेताओं को खुद ही वोट डालकर अपने सर पर कैसे बिठा दिया? ये सवाल नया नहीं है, इसका उत्तर आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएगा। किसका इतिहास? वो इतिहास है दुनिया के सबसे बड़े और क्रूर तानाशाह हिटलर का इतिहास। हिटलर भी इलेक्शन जीतकर ही जर्मनी के चांसलर बने थे। चांसलर मतलब जर्मनी का सबसे ऊंचा पद होता है, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट या भारत में प्रधानमंत्री का जो पद होता है, वैसा होता है चांसलर का पद। लेकिन वो चांसलर की कुर्सी तक पहुंचे कैसे? उनकी नाजी पार्टी चुनाव जीती कैसे? उसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण था भयंकर आर्थिक संकट। 1930 के शुरू में ही पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई थी और जर्मनी में 60 लाख लोगों की नौकरी चली गई थी। बेरोजगारी दर 5 गुना बढ़ गया था। वैसे ही वहां एक दशक से लोग महंगाई की मार झेल रहे थे। जैसे कि अगर आप 1918 में किसी जर्मन को अगर 10 डॉलर खरीदने होते तो उन्हें 42 मार्क देना पड़ता। मार्क मतलब उस वक्त की जर्मन करेंसी यानी कि मुद्रा। वही 10 डॉलर अगर उन्हें 5 साल बाद यानी 1923 में खरीदना होता तो उन्हें कितना देना पड़ता? उन्हें देना पड़ता 4,20,000 करोड़ मार्क। यानी सिर्फ 5 साल में मार्क की तुलना में डॉलर की कीमत 1,00,000 करोड़ गुना बढ़ गई थी। ऐसी भयानक आर्थिक स्थिति के कारण जर्मनी में बहुत राजनीतिक उथल पुथल होने लगी थी और यही है हिटलर के ऊपर आने का कारण नंबर 2। बेरोजगारी जितनी बढ़ी उतनी जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने लगी, क्योंकि जितने भी मजदूर और कामगार लोग थे वो सब कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देने लगे। तो इससे क्या हुआ, 1928 के जो इलेक्शन हुए थे जर्मनी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को 11% वोट मिले, जबकि हिटलर की नाजी पार्टी को सिर्फ 2.5% वोट मिले थे। इससे जर्मनी के जो बड़े पूंजीपति थे, सारे सेठ लोग थे, इनमें डर बैठ गया कि कहीं जर्मनी में भी मजदूरों का राज ना आ जाए, जैसे 1917 में रशिया में आ गया था। तो उन्होंने क्या किया, सेठों का सारा पैसा, उनकी पूरी ताकत उन्होंने हिटलर के पीछे लगा दिया। पूरा मीडिया हिटलर को जीरो से हीरो बनाने में जुट गया। अब हिटलर की जो राजनीति थी, नाजी पार्टी की राजनीति, वो यहूदियों और कम्युनिस्टों के खिलाफ एक नफरत की राजनीति थी। उसको बढ़ाया चढ़ाया जर्मन मीडिया ने, जर्मनी के पुलिस ने, जर्मन के न्यायपालिकाओं ने यानी कोर्टों ने। पैसा, संस्था और मीडिया के ताकत से हिटलर की पार्टी सिर्फ 4 सालों में 2.5% वोट से 36% वोट पर पहुंच गई। नफरत की राजनीति खुद ब खुद नहीं जीती थी, बल्कि सेठों, सूट-बूट वालों और ताकतवर लोगों की मदद से ही हिटलर की जीत हुई थी उस वक्त। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि यूरोप के 2/3 यहूदी लोगों को नाजी दरिंदों ने मार गिराया। 2/3 जर्मनी के इतिहास का यह सबसे शर्मनाक पल था, जिसका खामियाजा आज भी जर्मनी और जर्मनी के लोग भर रहे हैं। ये नफरत की राजनीति आज फिर चारों तरफ फैली हुई है हमारी। इसको हराना आपके हाथ में है, याद रखिएगा। अगले बार तक नमस्कार।